मेरा असल सवाल समीला और लीमन हमीदा के बाद हाथ को लटकाना है या फिर सीने पर बांधना है, इस पर है शेख। असल में इस पर मैंने थोड़ा इंटरनेट में देखने पर बहुत से राय मिले शेख, इसमें समझ नहीं पाया कि इसमें सुन्नत तरीका क्या है, तो इस पर थोड़ा वजाहत करें। जजाक आपका सवाल ये है कि जब हम रुकू से उठेंगे तो रुकू से उठने के बाद और सजदे में जाने से पहले दोनों हाथों को सीने पर बांधेंगे जिस तरह से कि हालते क्याम में बांधते हैं, या दोनों हाथों को छोड़ के रखेंगे लटका करके। ये आपका सवाल है, मैं सही समझा हूँ? जी शेख, बिल्कुल शेख, इसी पर सवाल है मेरा। जी जी हाँ। देखिए, इस सिलसिले में उलमा की दो राय है। जमहूर उलमा की राय यानी अक्सर बेशतर उलमा की राय ये है कि जब हम रुकू से उठेंगे तो रुकू से उठने के बाद दोनों हाथों को सीने पर बांधना नहीं है बल्कि छोड़ के रखना है। और बाज उलमा की राय ये है, जिनमें कि सऊदी के बड़े बड़े उलमा जो मुआसिर उलमा हैं, जिनमें शेख बिन बाज भी हैं, शेख बिन उसैमीन हैं, और वहाँ के जो किबार उलमा हैं इस वक्त के, उनकी राय ये है कि रुकू से उठने के बाद दोनों हाथों को सीने पर वैसे ही बांध लेंगे जिस तरह से हालत कयाम में हम बांधे हुए थे। जो मेरी राय है, दोनों तरफ के अदिल्ला को देखने के बाद जो मेरी राय है और जो मैं जिसकी हिदायत करता हूं लोगों को, वो ये कि हाथ बांधने की जो दलीलें हैं वो कवि दलीलें नहीं हैं। जो लोग कहते हैं कि हाथ नहीं बांधना है, छोड़ के रखना है, उनकी दलीलें ज्यादा कवि हैं। शेख अल्बानी जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इस जमाने के, उनकी भी यही राय है कि दोनों हाथों को छोड़ के रखना है। सवाल ये उठता है कि इसकी दलील क्या है। जैसे कोई आदमी मुझसे पूछे कि भाई आप कह रहे हैं कि दोनों हाथों को छोड़ के रखना है तो इसकी दलील क्या है, तो मैं अर्ज ये करूंगा कि दलील मेरे ऊपर नहीं है, दलील आपके ऊपर है। अगर आप ये कहते हैं कि दोनों हाथों को बांध के रखना है तो दलील आपको देना है, क्योंकि एक कायदा है हमारी इबादात के बाब में कि अब दलीलो अलल मुस्बित, जो साबित कर रहा है किसी इबादत को, दलील उसके ऊपर है, क्योंकि जो मुद्दई होता है दलील उसके ऊपर होता है। मेरा फकत मना करना ये काफी है, दलील का ना होना ही मेरे लिए काफी है। मैं कहता हूं आप दलील दीजिए इसकी, तो बहरहाल दलील उन लोगों को देना होगा जो लोग कहते हैं कि दोनों हाथों को रुकू के बाद सीने पर बांधना है। जब हम उनसे दलील मांगते हैं तो उनके पास कोई भी इस सिलसिले में कोई वाज़ह और सरीह दलील सुन्नत से या कुरान से कहीं से मौजूद नहीं है। वो दलील इस सिलसिले में क्या देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीसों के अंदर है कि आप हालते कयाम में दोनों हाथों को सीने पर बांध के रखते थे। ये आम दलील है कि हालते कयाम में दोनों हाथों को सीने पर बांध के रखते थे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि रुकू के बाद जो हम उठते हैं और चंद सेकंड के लिए खड़े होते हैं सजदे में जाने के लिए, तो क्या इसको कयाम कहा जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक कयाम में दोनों हाथों को बांध के रखते थे, लेकिन क्या ये कयाम है? भाई कयाम के अंदर तो सूरह फातिहा पढ़ना है, कोई और सूरत पढ़नी है, और कयाम वो होता है जो तकबीरे तहरीमा के बाद होता है, तो असलन ये कयाम है ही नहीं, ये कयाम नहीं है, बल्कि ये रुकू से उठने के बाद हमें सजदे में जाने वाली जो हालत है हम उसमें गए हैं, इसको कयाम नहीं कहा गया है कहीं पर भी। ये एक बात। दूसरी बात जो कि बहुत ज्यादा अहम है वो ये कि सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने के तरीके को इतनी तफसील से बयान किया है कि छोटी छोटी तफसीलात को भी जिक्र किया है आपने, यहां तक कि तशहुद में गए उंगलियां ऐसे हिलाना है, मतलब तवरुक में ऐसे बैठना है, तवरुक नहीं जो तशहुद में ऐसे बैठना है, सजदे के दरमियान ऐसे बैठना है,
छोटी छोटी तफसीलात कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र ना किया हो। सवाल यह उठता है कि रुकू से उठने के बाद किस तरह से हाथ को रखना, इसको किसी ने जिक्र नहीं किया, इसको किसी ने भी जिक्र नहीं किया कि हाथ को बांधना है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ को बांधते या सहाबे किराम रुकू के बाद हाथ को बांधते तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर आया होता। ये कोई मामूली चीज नहीं है, चार रकात वाली नमाज में चार बार वो चीज होती है, लेकिन इसका किसी ने जिक्र नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि सही बात यह है कि हाथ को बांधना नहीं है, हाथ को वहीं पर बांधना है जहां पर बांधने का जिक्र आया है। अब जैसे आप रफुल यदैन का मसला ले लें, रफुल यदैन जहां तकबीर तहरीमा के बाद रफुल यदैन करना है उसका जिक्र आया, रुकू में जाते वक्त करना है उसका जिक्र आया, रुकू से उठते वक्त करना है उसका जिक्र आया, और दो रकात के बाद तशहुद से जब उठते हैं तब उसमें करना है उसका जिक्र आया। अब देखिए एक रकात से जब उठते हैं तो वहां रफुल यदैन नहीं करना है, उसका जिक्र नहीं आया। भाई एक रकात पढ़ करके जब हम उठते हैं तो रफुल यदैन क्यों नहीं करते हैं? यही तो कहते हैं कि वहां पे जिक्र नहीं आया इसलिए नहीं करते हैं, और दो रकात के बाद जिक्र आया इसलिए करते हैं। तो सवाल यही है कि इतनी तफसीलात के बयान करने के बावजूद भी नमाज के सिलसिले में किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया, इसलिए ज्यादा सही बात यही मालूम होती है कि हाल रुकू से उठने के बाद सजदे में जाने से पहले दोनों हाथों को सीने पर नहीं बांधेंगे बल्कि आम हालात की तरह से छोड़ के रखेंगे। जी शेख, जब हम उनकी जो सीने पर हाथ बांधने वाली रेफरेंसेस को हम देखते हैं, जो शेख ये सपोर्ट करते हैं कि हम सीने पर बांधना है, वो बोलते हैं शेख की एक हदीस है कि जब समीला अलमन हमीदा बोलने के बाद रसूलुल्लाह की एक सुन्नत है कि हमदन कसीरन तोयबन मुबारकन फी करके बोले करके, वो एक सुन्नत है करके सुन्नत है शेख। तो उस पर सहाबा बोलते हैं शेख समीला अलमन हमीदा बोलने के बाद रसूलुल्लाह इतनी देर खड़े रहते हैं दुए में, हमको हम कभी सोचते हैं कि कहीं रसूलुल्लाह ने सजदा करना तो भूल गए, कहीं भूल नहीं गए और कयाम में कंटिन्यू ना कर दिए करके, ये दलील देते हैं शेख। देखिए वो बोल रहे हैं कि कई सुजूद स्किप नहीं कर दिया हो रसूलुल्लाह गलती से, इसलिए इतनी देर खड़ी है खड़े हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो भी कयाम है और गलती से रसूलुल्लाह ने कयाम में ही उसे कंटिन्यू कर लिया हो। मतलब ऐसा एक हदीस पेश करते हैं शेख। और चार इमाम में से शेख, जी बस 10 सेकंड शेख, चार इमाम में से शेख इमाम अबू हनीफा और शाफी मालिकी हमें इस पर ज्यादा दबाव नहीं है शेख, मतलब उन पर उनके पास हमें दलील नहीं मिलती शेख। लेकिन अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह ने कहा कि दोनों जायज है, आप सीने पर बांधो या फिर दोनों हाथ लटकाओ, दो भी जायज है, इन पर इस पर सुन्नत का दबाव नहीं है, इसमें सुन्नत नहीं है करके उन्होंने बोला था। ये दो दलील देते हैं शेख, तो इस पर क्या कहना है शेख? देखिए जो दूसरी बात आपने जिक्र की कि फला फला आइम्मा कहते हैं, देखिए अइम्मा की बात को तो जिक्र तो हम कर सकते हैं लेकिन हम उसको दलील के तौर पर अइम्मा की बात को नहीं जिक्र कर सकते। अइम्मा की बात दलील नहीं है, अइम्मा ने अगर कोई बात कही है उसके साथ में कुरान या सुन्नत से कोई दलील जिक्र की है तब तो ठीक है, लेकिन फकत किसी इमाम का कह देना ये दलील नहीं है। दूसरी बात जो बाद में वो भी इबादत के बाब में, इबादत किसी इबादत के बाब में जो कि तौकीफी है, किसी की बात को बगैर दलील के ठीक है, चूंकि मसले का जिक्र चल रहा है तो वहां पे अक्वाल को अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जाहिर है अइम्मा है, लेकिन किसी की बात को बगैर दलील के हम कबूल नहीं कर लेंगे कोई भी इमाम हो। आप पहली दलील जो आपने दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठने के बाद फला दुआ पढ़ते थे और कभी कभी लंबे वक्त तक खड़े रहते थे, यहां तक कि लोग सोचते थे कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करना तो नहीं भूल गए हैं, तो भाई इससे ये कहां साबित होता है कि आप हाथ बांधते थे? ये कहां है बताइए इस दलील में, ये बात कहां है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांधते थे? भाई जिसने आप यहां, बल्कि यहां पर इस बात की दलील है कि हाथ नहीं बांधते थे, आप पूछिए कैसे? वो ऐसे कि सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देर तक खड़े रहने को तो जिक्र किया, देखिए नोटिस किया
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम हालात में हमेशा देर तक नहीं खड़े रहते थे, लेकिन जब कभी आप थोड़ा देर तक खड़े रहे तो उसको सहाबा ने नोटिस किया, नोटिस लिया और उसको बाकायदा जिक्र किया। अब नमाज में चार रकात वाली नमाज में चार बार रुकू से खड़े हो रहे हैं, क्या उसको किसी ने नोटिस नहीं किया, उसको किसी ने क्यों नहीं जिक्र किया? भाई रफुल यदैन जहां जहां कर रहे हैं वहां वहां बता रहे हैं, यहां रफुल यदैन किए, यहां रफुल यदैन किए, यहां रफुल यदैन किए, इसको कोई क्यों नहीं बता रहा है? भाई आप एक कॉमन सेंस से सोचिए कि जो सहाबा आपके थोड़ा देर तक खड़े रहने को नोटिस करके बाकायदा उम्मत के लिए उसको बयान कर रहे हैं, उसको किसी ने क्यों नहीं नोटिस किया कि जब अल्लाह के नबी सल्लम रुकू से खड़े हुए तो फिर आपने हाथों को बांध लिया? ये बहुत ही, ये दलील जो है, दलील का ना होना, सहाबा का ना जिक्र करना, ये इतनी बड़ी दलील है कि इसके सामने और कोई दलील नहीं टिक सकती। नमाज की छोटी छोटी हरकतों को सहाबे कराम ने जिक्र किया है, किसी ने इसका बयान, बल्कि बाज लोगों ने तो ये कहा है कि इस मसले में इख्तिलाफ पहले जमाने में, सलफ के जमाने में बहुत मामूली इख्तिलाफ था, इस जमाने में लोगों ने इस इख्तिलाफ को बड़ा कर दिया है, बल्कि तकरीबन इस बात पर लोग मुत्तफिक थे कि हाथ को छोड़ना है, बांधना नहीं है, लेकिन इस जमाने में इस मसले में इख्तिलाफ शदीद हो गया है। तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, सही बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बांधना यह साबित नहीं है, अगर एक बार भी कहीं साबित हो जाए। सही बात यह है कि जितनी भी दलीलें जिक्र की जाती हैं, मुझे हैरानगी होती है कि उसमें कहां दलील मौजूद है। भाई हदीस जिक्र कर देना काफी थोड़ी है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे, लंबा दुआ पढ़ते थे, इसमें हाथ बांधने का कहां जिक्र आ गया? बल्कि सवाल तो यह पैदा होता है कि हाथ बांधने का जिक्र आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? दुआ पढ़ने का जिक्र आया, खड़े होने का जिक्र आया, थोड़ा ताखीर करने का जिक्र आया, हाथ बांधने का जिक्र क्यों नहीं आया? तो शेख जी पीछे, जी शेख, तो पीछे सहाबा उनको ये क्यों सोचे शेख कि ये कायम में, तो कायम में रसूलुल्लाह कैसे, शायद कायम में थोड़ी ना चले गए, मतलब अब देखिए जब अल्लाह के बंदे सुनो, उसको किसी ने भी कायम नहीं कहा है, उसको कायम नहीं कहा गया है। कायम वो होता है जो हम तकबीर तहरीमा के बाद करते हैं, जिसमें कैरत करते हैं। कयाम देखिए, कयाम के अंदर कुरान पढ़ना ये जरूरी है, और यहां पे ये कयाम नहीं, इसको कयाम किसी ने नहीं कहा है। और थोड़ी देर के लिए चंद सेकंड के लिए हम मान ले कि ये कयाम है, तो सवाल यही पैदा होता है कि भाई जैसे रफुल यदैन को जब एक बार जिक्र कर दिए तो बार बार क्यों जिक्र कर रहे हैं? यहां तक कि दूसरी रकात में, तीसरी, हर रकात में उसको जिक्र कर रहे हैं। यहां पे वो चीज जो बार बार हो रही है उसका कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहा है? तो कायदा है इबादात के बाब में कि अदम जिक्र से अदम शय लाजिम आती है इबादात के बाब में, और ये बहुत बड़ा कायदा है। अगर इस कायदा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी आदमी अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से किसी भी चीज का इजाफा कर देगा इबादात के अंदर। अदमे जिक्र से, यानी अगर जिक्र नहीं किया गया है तो उसको नहीं किया जाएगा। जी शेख, अच्छा, जो जी शेख, अगर कोई ये प्रैक्टिस करता है शेख कि इतने दिन तक मैं यही करता आ रहा हूँ, तो जो कर रहा है वो बिदत होगा शेख, जैसे अल्लामा अल्बानी ने देखिए बहुत सारे उलमा ने बिदअत कहा है, लेकिन वो मैं वो जुरात नहीं करूंगा बिदअत कहने की। मैं यही कहूंगा कि भाई वो नहीं साबित है, आप मत कीजिए। मैं कहूंगा नहीं साबित है, मत कीजिए। और मैं जो है उस तबदी या तफसीक के बाब में दाखिल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो लोग हाथ नहीं बांधते हैं वही सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। जी शेख अच्छा इसमें शेख कुछ चीजें और हम लोग अगर जिक्र करें शेख तो कुछ वाजे हो सकती है कि एक तो कयाम जो होता है, कयाम एक रुकन है नमाज का, नमाज का एक रुकन है, और उसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है। और जहां उन्होंने वो हदीस की दलील दी है कि आज ऐसा लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयाम में हैं, तो कयाम में क्या उस कयाम को उन्होंने तसव्वुर किया है कि सिर्फ खड़े होने को जिक्र किया है, खड़े होकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए? कयाम तो वहां रुकन है।
और फिर उसके बाद जब तकबीर तहरीमा कह रहे हैं तो वज़ाउल यदैन अला सदर की जिक्र है या फिर हाथ का बांधने का अला ज़िरा पर है कि हाथ बांध लेते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उसके अलावा और कहीं पर जिक्र नहीं है। स्टार्ट में वहां पर जिक्र है जी, और फिर उसके बाद रुकू के बाद जिक्र ना होना, तो ये काबिले गौर नहीं है शेख भाई। मैं सुनिए, नमाज का कोई भी हिस्सा बताइए, तकबीर तहरीमा से लेकर के सलाम फेरने तक, कोई ऐसा ऐसी चीज बताइए जिसका जिक्र हदीसों में नहीं आया है और हम उसको करते हुए, कोई एक बात बताइए, कोई एक चीज भी नहीं है जिसका जिक्र ना आया हो। हर और कोई ऐसी, कोई ऐसा लम्हा नहीं है नमाज का जिसके बारे में सहाबा ने तफसील से ना बता दिया हो, और ये एक इतना बड़ा हिस्सा नमाज का, उसको कोई बयान नहीं करेगा जी। यहां ये तो बताया, ये बताया कि खड़े कैसे हुए, खड़े हुए यहां तक कि रीढ़ की हड्डियां अपनी जगह पर वापस लौट गईं, इत्मीनान से खड़े हुए, आपने ये दुआएं पढ़ी, और यहां तक कि खड़े होने के बाद दुआओं के जो सेगे हैं वो अलग अलग सेगे हैं, वो मुख्तलिफ किस्म, रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, ये चार सेगे तो यही हो गए, चार सेगे तो यही हो गए, चारों सेगे सही हदीसों में साबित है। उसके अलावा भी सेगे हैं, सहाबे किराम ने उन सेगों के इख्तिलाफ को अलग अलग जिक्र किया, और किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि आपने हाथ बांध लिया। ये कैसी अजीब बात है कि और एक शेख, और एक पॉइंट और, एक पॉइंट और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्टिंग में बताया कि लोग हाथ कहां तक उठा देते, हदुमन कबई काने के कान के लौ, दोनों का जिक्र है भाई। नमाज में कोई ऐसा जुज नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज्यादा तरीकों से अगर कोई चीज किया, उसको भी सहाबे कराम ने तफसील से बयान किया। तो मुझे बहुत हैरानगी होती है कि इसको किसी ने क्यों नहीं बयान किया कि आप रुकू से खड़े हुए तो आपने दोनों हाथों को फिर वहीं पर बांध लिया जहां पर बांधे हुए थे, क्यों नहीं कहा? अच्छा शेख, एक बात और पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसा जैसे मतलब हाथ नीचे करके अगर खड़े, छोड़ करके खड़े होते हैं, तो ऐसा खड़ा होना एक ताजीमी इबादत है, और ऐसा छोड़ करके कहीं और किसी के सामने खड़े हो तो उसके सामने वो पता नहीं क्या क्या दलीलें देते हैं, ताजीम में ये चीजें शामिल होती है तो इसलिए हाथ बांधना चाहिए, ऐसा ये बात आपको किसने बताई कि ये ताजीमी इबादत है, किसने बताई? ये तो आपकी अपनी अपने मन की बात है, ये किसने कहा? कुरान और हदीस के अंदर है कि अगर हाथ खोल के खड़े हुए तो ये दूसरी किस्म की इबादत है, कहां पे है ये? तो हमारे मतलब हमारी तरफ से एक बात हुई, इसकी क्या दलील है? नहीं, इसकी कोई दलील नहीं है। बहरहाल ये मतलब इसी तरह के कुछ और दलाइल वो रखने की कोशिश करते हैं। जी जी, आपने मतलब जो मैं बोला, आपके सवाल के जवाब हो गया होगा इंशाल्लाह। जी जी, हो गया शेख। वो चीजें वो शेख ने जिक्र किया कि मैं वो जुरात नहीं कर सकता कि मैं इस अमल को बिदात कहूं या कुछ और नाम दे दूं उसका, बल्कि शेख ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सुन्नत है, सुन्नत से होता तो कहीं ना कहीं जिक्र होता है इसका, और सहाबा इकराम ने कहीं कहीं पर भी जिक्र किया होता कि हम ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे हैं करते हुए, तो हम उसको सुन्नत बोल सकते हैं। ये खिलाफ सुन्नत तो हम शेख कह सकते हैं ना? जी बिल्कुल, सुन्नत जी, मैं ये कहता हूं खिलाफ सुन्नत है जी। शेख हाशिम, असल में जी आपने लास्ट में दो जुमला ऐड किए, मेरा सवाल और वाज़े हो गया, मैं शायद अटक रहा था लेकिन आपने मुकम्मल कर दिया मेरा सवाल को, जज़ाकअल्लाह। जी, सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की, शेख आपके सवाल, जज़ाकअल्लाह शेख आपने। लेकिन एक बात, एक लाइन और मैं ऐड करूंगा शेख इसमें, देखिए बहुत सारे किबार उलमा हैं, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े उलमा हैं इस जमाने के, और जिनके बारे में हम ये अकीदा रखते हैं कि वो बहुत सुन्नत की इत्तिबा में वो बहुत आगे तक, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत ऊंचा मकाम दिया है सुन्नत की इत्तिबा करने में, दलील की इत्तिबा करने में, लेकिन उनका इज्तिहाद यही कहता है कि हाथ को बांधे रखें, तो इसलिए उनका अमल भी यही है, उनका फतवा भी यही है, इसलिए हम इस बाब में मतलब जो है किसी पर जरह वगैरह नहीं करेंगे। जहां पर इल्मी बहस है हम इल्मी अंदाज में उसका जवाब देंगे, लेकिन इसकी वजह से किसी की शख्सियत को हम मजरूह करें, क्यों? चूंकि हम जानते हैं ये इतने बड़े बड़े उलमा हैं कि हमने इस जमाने में उनसे बड़ा मुत्तबे सुन्नत किसी को नहीं देखा, लेकिन उनसे इस्तिहादी गलती हो सकती है, और हमें दलील की रोशनी में
किसी से इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन साथ साथ में उनका उनकी इज्जत और उनका एहतराम करना भी जरूरी है, जो कि हम अहले हदीसों का एक मीजा कह सकते हैं है कि हम जितने भी उलमा हैं, चाहे पुराने जमाने के उलमा हो या इस जमाने के उलमा हो, हम उनसे इल्मी इख्तिलाफ अदिल्ला की रोशनी में कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की तौहीन करेंगे और किसी के साथ बेअदबी करेंगे, ये कतान हमारा मनहज नहीं है। शुक्रन शेख, जज़ाकअल्लाह खैर। यहाँ पर शेख ने मतलब इब्तिदा ही में कहा था कि जो आइम्मा हैं, खासकर इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इनका आपने जिक्र किया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, तो इन तमाम लोगों का आपने जो वाक्य वो जिक्र किया कि उनका कौल क्या है या उनके राय क्या है, तो शेख ने वहां पर भी मतलब उनके उनके इज्जत करते हुए, उनके तकरीम को बाकी रखते हुए, शेख ने उनके दलाइल से मतलब इख्तलाफ कर रहे हैं, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। देखिए, इमाम मालिक का, इमाम मालिक रहमतुल्लाह का एक कौल है बहुत मारूफ कि कुल्लुन युखदु मिन कौलिही व युरद्दु इल्ला साहिबु हादल कब्र। इमाम मालिक मदीना के अंदर हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसकी हर बात ले ली जाएगी, उसकी बात ली भी जाएगी, उसकी बात रद्द भी की जाएगी, इल्ला साहिबु हादल कब्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जानिब इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है जिनकी हर बात कबूल करना हमारे ऊपर फर्ज और वाजिब है, वरना कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान मासूम अनिल खता नहीं है। मुझे आप किसी एक इमाम का नाम बता दीजिए जिनसे गलतियां नहीं हुई हैं, लेकिन हमारा ये मनहज हरगिज नहीं है कि हम किसी की शख्सियत को मजरूह करें। हम दलील की रोशनी में उनका एहतराम करते, उन्होंने इज्तिहाद किया, और हम हमारा ये भी अकीदा है कि इंशाअल्लाह उनको उनके इज्तिहाद पर अगर उनसे गलती भी हुई होगी तो उन्हें कम से कम एक अजर इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा।